सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। मैं सुमित भारती आप लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को वर्ल्ड ओवर गेम में 35 रुपये और 50 रुपये गेम का मैं आज आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा और कैसे खेलना चाहिए ये गेम्स आप लोगों को और रिक्स कहाँ पर आप लोग को लेना चाहिए कि गेम आप लोग का तुरंत विन हो जाएगा। गाइस मतलब पहले ही आप लोग को पता चल जाएगा कि रिक्स गेम पे विन करेगा या फिर नहीं करेगा। तो आप लोग को वीडियो को करना है फुल वॉच, काफ़ी सिंपल सा ट्रिक है और मेरे सारे वीडियोज़ की तरह इस वीडियो में भी पूरा 300 रुपीज़ का गिवे भी है जो कि आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पर आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वहीं से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे आप लोगों को गिवे अर्न करना है। तो देख सकते हो मेरे सामने मैंने यहां पर गाइस एक गेम में एंटर किया जो कि मेरे हिसाब से 35 रुपीज़ का गेम है और मैं यहां पर अभी के टाइम में रिक्स कार्ड को कर रहा हूँ सिलेक्ट क्योंकि यहाँ पर जो टोटल पे का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और रिक्स कार्ड विन कर रहा है गाइस। ये चीज़ ध्यान देना है कि रिक्स कार्ड विन कर रहा है, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। मुझे यहाँ पर 123 रुपये का विनिंग हो चुका है, 35 रुपीज़ के गेम में 123 रुपये का मेरा यहाँ पर विनिंग हो चुका है। टोटल पेयर की बात करें तो मेरा यहाँ पर 100 का टोटल पेयर है, उन लोग का 30 मतलब 300 का टोटल पेयर है गाइस। तो बीच का जो डिफरेंस है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा का है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 200 टोटल पेयर का यहाँ पर डिफरेंस है बीच में। और बात करते हैं गाइस हम लोग का विनिंग का, तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा विनिंग हो चुका है 123 रुपये। एवरेज स्कोर में तो ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं, जो कि अभी के टाइम में एवरेज स्कोर का गाइस ज़्यादा डिफरेंस होता भी नहीं है। अभी टोटल पेयर को लोग ज़्यादा देखते हैं इसलिए मैं आप लोग को टोटल पेयर के हिसाब से ही कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ जिससे कि आप लोग का गाइस कन्फर्म हो जाएगा कि कौन सा गेम विन करने वाला है, रिक्स या फिर सेव। तो वीडियो को तो फुल वॉच करना है, साथ ही कमेंट भी कर देना है क्योंकि जो भी कमेंट करते हैं उन सबको गिवे भी मिलता है। देख सकते हो फिर से मैंने एक 35 रुपीज का गेम में एंटर किया है जिसमें मैं यहाँ पर सेव कार्ड को करूंगा सिलेक्ट क्योंकि यहाँ पर गाइस 50% का डिफरेंस है और 50% का डिफरेंस रहने पर अगर गाइस रिक्स कार्ड नहीं विन कर रहा है तो वहाँ पर रिक्स कार्ड को आप लोग को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए और कार्ड्स पर ही आप लोग का शो हो जाता है कि कौन विन कर रहा है अभी के टाइम में और कौन विन नहीं कर रहा है। अगर गाइस 50% का डिफरेंस है और रिक्स कार्ड विन कर रहा होता तो मैं यहाँ पर रिक्स कार्ड को सिलेक्ट करता जो कि यहाँ पर नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सेव कार्ड को सिलेक्ट किया जिसमें ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। और फर्स्ट गेम में जैसे कि मैंने गाइस 123 रुपये का या फिर समथिंग कुछ मैंने गाइस मेरा विनिंग हुआ था तो उसमें गाइस डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा निकल रहा था 50% से भी ज़्यादा और उसमें गाइस हुआ क्या था कि उसमें गाइस रिक्स कार्ड कर रहा था विन, इसलिए मैंने यहाँ पर रिक्स कार्ड को सिलेक्ट किया था। अब मैं अभी की बात करता हूँ 50 का मेरा 50 का सॉरी यहाँ पर गाइस दोस्तों, तो एक मेरा जो कि गेम आया है जो कि 50 रुपीज़ का है, यहाँ पर अभी के टाइम में 14 सेकंड हो रहा है, इसमें मैं यहाँ पर एंटर करने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे मैं एंटर करता हूँ गाइस यहाँ पर देख दो कोहली का टोटल पेयर है 120 का और धोनी का है गाइस 60 का। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सेव कार्ड को क्या सिलेक्ट जो कि यहाँ पर अभी के टाइम में विनिंग नहीं हो रहा है, मुझे लगता है एकदम लास्ट में यहाँ पर विन दिखाया है। देख सकते हो यहाँ पर एकदम लास्ट में हम लोग को विन दिखाया है, 1 सेकंड में हम लोग का यहाँ पर विन दिखाया है, हो भी होगा हो, रिजल्ट भी आ चुका है यहाँ पर देख सकते हो 66 रुपीज़ मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब मेरे टोटल पेयर की बात करें तो मेरे टोटल पेयर अभी के टाइम में 200 का है, उन लोगों का 100 का है, 50% का डिफरेंस है। यहाँ पर गाइस रिक्स कार्ड ना ही विन कर रहा था ना, इसलिए मैंने यहाँ पर रिक्स कार्ड को तो सिलेक्ट नहीं किया था। पर आप लोगों को कैसे खेलना चाहिए, अब मैंने गाइस 2-3 गेम आप लोगों को खेल के दिखा दिया है और कुछ कुछ समझाया भी है कि आप लोगों को कैसे खेलना चाहिए कैसे नहीं है। अब मैं आप लोगों को पूरा कंफर्म पूरा डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जब भी आप लोग गेम खेलते हो तो जो टोटल पेयर रहता है गाइस उसको उसके हिसाब से अगर आप लोग खेलते हो तो आप लोग का बहुत सारा गेम आप लोग का विन हो जाएगा। 10 गेम खेलोगे तो मेरे हिसाब से गाइस 200 गेम आप लोग अच्छे से विन कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो मैं एक गेम में एंटर कर चुका हूँ जिसमें मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया है, देख सकते हो यहाँ पर गेम हम लोग आ चुका है। मैंने यहाँ पर रिक्स कार्ड को कैश लग जिसमें यहाँ पर गाइस अगर रिक्स कार्ड जो है गाइस उसका जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ पर एक साइड में 141 का टोटल पेयर है, एक साइड में 150, बीच का जो डिफरेंस है वो प्रॉपर गाइस यहाँ पर नॉन टोटल पेयर का आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर रिक्स कार्ड को किया था सिलेक्ट और यहाँ पर रिक्स कार्ड विन कर रहा था। जब टोटल पेयर का डिफरेंस कम रहता है गाइस तब कौन विन कर रहा है कौन नहीं वो चीज़ आप लोग को नहीं देखना है, पर अगर टोटल पेयर का डिफरेंस गाइस थोड़ा ज़्यादा है तब आप लोग को देखना है कि रिक्स कार्ड विन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो उस टाइम जो कार्ड विन कर रहा है उस कार्ड को आप लोग को सिलेक्ट करना है, अगर रिक्स कार्ड विन कर रहा है तो उस टाइम आप लोग रिक्स कार्ड को सिलेक्ट करना है। देख सो तो मेरे यहाँ पर विनिंग हो चुका है 557 रुपये पर। यहाँ पर जो गाइस बात है यहाँ पर जैसे कि रिक्स कार्ड विन कर रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर रिक्स कार्ड को भी सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस तो काफ़ी कम था क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में 150 का 150 का टोटल पेयर है और ऐसा जब टोटल पेयर रहता है तब आप लोग को मैं बता दूँ तब आप लोग को ये चीज़ देखना है कि कौन सा कार्ड विन कर रहा है, क्योंकि जब बहुत ही ना के बराबर जब डिफरेंस होता है तब आप लोग को गाइस विनिंग देखना है और जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तब। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस जो था गाइस यहाँ पर डिफरेंस मतलब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस था, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं देखा, फटाक से मैंने यहाँ पर रिक्स कार्ड को सिलेक्ट कर लिया और रिक्स कार्ड यहाँ पर गाइस देख सकते हो एंड में विन भी कर गया है। यहाँ पर 68 रुपये का हम लोग का विनिंग हो चुका है। अब टोटल पेयर की बात करें मेरा 200 का, उन लोगों का भी 200 का, बीच में गाइस एकदम भी डिफरेंस नहीं है आप लोग के सामने, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर गाइस मेरा विनिंग हो चुका है 68 रुपये और टोटल पेयर में तो एकदम डिफरेंस है ही नहीं, तो इसके बारे में बोलना क्या है। पर आप लोग को ये चीज़ देखना है कि गाइस 3 चीज़ देखना है आप लोग को, अगर टोटल पेयर का डिफरेंस कम होता है तब आप लोगों को कुछ भी नहीं देखना है, रिक्स कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है, और अगर टोटल पेयर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है गाइस तो तब आप लोग को देखना है, बहुत ज़्यादा हुआ है तो आप लोग को सेव
कार्ड को करना है सिलेक्ट, और अगर थोड़ा ज़्यादा आप लोग को लग रहा है 50% से ज़्यादा तो आप लोग को रिस्क कार्ड को सिलेक्ट नहीं करना है, तब आप लोग को रिस्क कार्ड को सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर एकदम कम का डिफरेंस था, यहाँ पर अगर रिस्क कार्ड विन करता या फिर नहीं करता वहाँ पर दिखाता या नहीं दिखाता, पर मैं यहाँ पर रिस्क कार्ड को सिलेक्ट करता जो कि मैंने यहाँ पर किया भी। यहाँ पर 90 रुपये का भी यहाँ पर विनिंग हो रहा है आप लोग के सामने देख सकते हो, यहाँ पर रिजल्ट भी आ चुका है 93 रुपीज़। और यहाँ पर टोटल पेयर की बात करें तो 150 का मेरा टोटल पेयर है, उन लोगों का भी 150 का टोटल पेयर में ना के बराबर फिर से यहाँ पर डिफरेंस दिखा रहा है। पर अब नेक्स्ट गेम की ओर बढ़ते हैं और मैं आप लोग को बता दूँ टोटल पेयर को सबसे पहले आप लोग को देखना है, टोटल पेयर में अगर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो आप लोग को क्या करना है, रिस्क कार्ड को नहीं सिलेक्ट करना है। पर अगर रिस्क कार्ड विन कर रहा है तब भी आप लोग को बार बार रिस्क कार्ड को नहीं सिलेक्ट करना है, कभी कभार आप लोग रिस्क कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो अपनी ओर से, पर अगर डिफरेंस कम है तब आप लोग को कौन विन कर रहा है कौन नहीं वो चीज़ आप लोग को नहीं देखना है। और एक बात, अगर डिफरेंस ना के बराबर होता है, एक दो टोटल पेयर पर होता है या फिर एक ही टोटल पेयर जैसा होता है, तब आप लोग को क्या करना है, तब आप लोग को जो कार्ड विन कर रहा है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैंने अभी के टाइम में सेफ गार्ड को किया सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक साइड में 130 का टोटल पेयर है, एक साइड में 150 का, बीच का जो डिफरेंस है गाइज, तो ऐसे जगह पर क्या होता है गाइज, ऐसे जगह पर क्या होता है पता है, कोई भी कार्ड को विन करने का चांस रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादातर वही कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ जो गाइज यहाँ पर विन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने रिस्क कार्ड को सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर रिस्क कार्ड विन नहीं कर रहा था, और साथ ही साथ डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही कम था, इतना ज़्यादा कम पर गाइज रिस्क कार्ड तो विन नहीं करता है जो कि काफ़ी सारे लोगों को पता है। तो जैसे जैसे मैंने खेला है गाइज कुछ गेम्स और जैसे जैसे मैंने आप लोग को बोला है, बस ऐसे ही करके आप लोग को खेलना है। टोटल पेयर को सबसे पहले आप लोग को समझना है, टोटल पेयर का जो डिफरेंस रहता है वो काफी ज्यादा रहने पर आप लोगों को सेव कार्ड को सिलेक्ट करना है, और अगर थोड़ा ज्यादा निकल रहा है और टोटल पेयर में गाइस वहां पर कार्ड्स पर विनिंग दिखा रहा है तब आप लोग रिस्क कार्ड को वहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। पर जैसे मैंने बोला ऐसे करके आप लोग को खेलना है, और जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर दो, और जल्दी से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाओ क्योंकि टेलीग्राम पर आप लोग को डेली गिवे के इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं कि कैसे आप लोग गिवे विनर बन सकते हो, कैसे आप लोग को गिवे मिलेगा और कब वीडियो अपलोड होता है, कब गाइस वीडियो आ रहा है, कैसे गिवे आप लोग को मिलेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर है। तो जल्दी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रख दिया है, और एक कमेंट करो क्योंकि जो भी कमेंट करते हैं उन सबको गिवे भी मिलता है, तो जल्दी से कमेंट भी कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेलेक्ट कर दो ऐसे ही डेली प्रॉफिट वाले ट्रिक्स देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।